गुलबर्गा शहर में देसी चाय नुक्कड़ का दूसरा आउटलेट अब गोवा होटल के करीब एसबी टेंपल रोड पर ओपन किया गया है। देसी चाय नुक्कड़ का मेन ब्रांच गुलबर्गा राम मंदिर रोड पर मौजूद है। देसी चाय नुक्कड़ पर 20 से ज़्यादा वैरायटीज में आपको चाय और कॉफ़ी मिलेगी और चाय कॉफ़ी के साथ यहाँ फ्रूट शेक, चॉकलेट शेक, मॉकटेल, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज के अलावा और भी कई सारे वैरायटीज यहाँ अवेलेबल मिलेंगे। देसी चाय नुक्कड़ के मेन फाउंडर विजय राठौड़ हैं। विजय राठौड़ ने देसी चाय नुक्कड़ पर अदरक चाय, इलायची चाय, चॉकलेट चाय, मसाला चाय, रोज़ चाय, पान चाय, वनीला चाय, लेमन टी, ग्रीन टी के अलावा मुख्तलिफ किस्म के कॉफ़ी, फ्रूट शेक, मॉकटेल, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज और दीगर कई सारे वैरायटीज़ में आपके लिए काफ़ी बेहतरीन टेस्ट दे रहे हैं। राम मंदिर के करीब मौजूद देसी चाय नुक्कड़ के मेन ब्रांच पर मसालेदार चाय और मुख्तलिफ आइटम्स का लुत्फ लेने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे, जिसको देख गोवा होटल के करीब एक आउटलेट ओपन किया गया है। गुलबर्गा शहर के ज़्यादातर लोगों ने देसी चाय नुक्कड़ की अलग अलग वैरायटीज़ वाली चाय का लुत्फ तो उठाया ही होगा, लेकिन अब गोवा होटल के आसपास रहने वाले लोगों को देसी चाय नुक्कड़ की चाय पीने के लिए राम मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम एसबी टेंपल के करीब मौजूद ये आउटलेट को विजिट कर सकते हैं। अगर आप में से कोई देसी चाय नुक्कड़ का आउटलेट लेना चाहते हैं या फिर दीगर डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते कलबुर्गी, जैसे कि आप सभी को पता है मैं देसी चाय नुक्कड़ का फाउंडर विजय राठौड़। आज हमने एक नियर गोवा होटल एसबी टेंपल रोड इधर एक नया आउटलेट खोला है, चाय के लिए स्पेशल खोला है। हमारे जो देसी चाय नुक्कड़ फ्रेंचाइजी जो लिए है संतोष चौधरी करके, इनको दिए हमने इधर का जो गोवा होटल का जो आउटलेट है। जैसे आप सभी को पता है हमारा जो चाय है, अभी सभी गुलबर्गा में सभी लोगों को पता है कि टेस्ट क्या देते हैं हम चाय में, अदरक वाली होगी या इलायची वाली या चॉकलेट वाली, ये सभी को पता है कि गुलबर्गा में आज के टाइम में ट्रेंड चल रहा है गुलबर्गा में देसी चाय नुक्कड़ का। जैसे हमारे पास चाय है अदरक, इलायची, मसाला, चॉकलेट, मसाला, वनीला, पान, रोज, ये सभी तरीके की चाय है और आपको आके ट्राई करना चाहिए। हमारे पास अलग अलग फ्लेवर हो गया या आपको ग्रीन टी हो गया, लेमन टी हो गया, ये सब चीज़ें आप आके ट्राई कर सकते हो। जो हमारा इधर जो एसबी टेंपल के पास जो आउटलेट है, ये आउटलेट आपको सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक अवेलेबल रहेगा। आप कभी भी आके हमारा चाय वगैरह ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे देसी चाय नुक्कड़ के ओपनिंग में आया हूँ, जो कि और एक आउटलेट है गुलबर्गा के लिए अपोजिट टू गोवा होटल एंड एसबी टेंपल रोड। इसका मेन ब्रांच है राम मंदिर सर्कल पे, जिसके फाउंडर है मेरे दोस्त और मेरे एज ए बड़े भाई, इसका नाम है विजय राठौड़। यहाँ पे मैं 4 साल से इनका कस्टमर हूँ। यहाँ पे 10 टाइप की चाय है और कोल्ड कॉफ़ीज़ है, हॉट कॉफ़ी है और मोजिटोज़ है, पिज़्ज़ा है और पास्ता है, फ्रेंच फ्राइज़ है। और इससे हट के भी मैं रिव्यू देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी काम करते हैं वो लोग एक तमीज़ वाले लोग हैं और उन लोगों को कम्युनिकेशन कैसा करना वो पता है। और यहाँ की जो चाय बनाते हैं ये एकदम प्योर रहती है, एकदम नेचुरल रहती है। यहाँ पे आने के बाद आप एक अच्छी चाय नहीं बल्कि एक अच्छा मूड लेके उठेंगे। थैंक यू। एकदम अच्छी है, टेस्टी है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, अच्छा है। आज देसी नुक्कड़ चाय का ओपनिंग सेरेमनी है। आज के दिन क्या है बोले तो हम विजय कुमार राठौड़ और संतोष चौधरी ने ये दोनों पार्टनर में क्या है एक चाय का दुकान देसी चाय नुक्कड़, इसका जो मेन ब्रांच है ये अपना राम मंदिर के पास है, उसका एक एक सब ब्रांच है ये। और आज क्या है मैं गुलबर्गा लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ आइए और चाय का टेस्ट लीजिए। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स के चाय मिलते हैं और गुलबर्गा के लोग चाय के बहुत प्रिय है। और सब लोग को मैं रिक्वेस्ट क्या करना चाहता हूँ बोले तो आइए, इसका मज़ा उठा लिए। और देसी चाय नुक्कड़ बहुत 2-3 साल में विजय कुमार राठौड़ जो स्टार्ट करे थे गुलबर्गा में, आज बहुत सारे सब ब्रांचेस स्टार्ट करे और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी इसका क्या है सब ब्रांचेस स्टार्ट करे।
अपना जो फ्रेंड है संतोष चौधरी, इन्होंने ये दुकान के प्रॉपर्टर है। और क्या है, मेरा रिक्वेस्ट है सब जने गुलबर्गा के पीपल्स आना और इधर चाय का टेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाय के टेस्ट लेना करके मेरा रिक्वेस्ट है। देसी चाय नुक्कड़ भाळ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋಂಥ ಚಾ ಇದು. ಮೈಂಡ್ ಎಂಥ ಸಿಟ್ನಾಗ ಇದ್ರೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಪ್ಲೇ ಅದ ರೀ. ಹಾಂ ರೀ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಸಾದ ಬರ್ರಿ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ, ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಗೋವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ದೇಸಿ ಚಾಯ್ ನುಕ್ಕಡೆನೋ ಒಂದು ಟೀ ಪಾಯಿಂಟು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮುರೆಡ್ಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಮಾಕಾಂತ್ ಚೌಧರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಾಯ್, ನಾವು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಈ ಚಾಯ್ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಾಯ್, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಚಾಯ್ದ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮಹಾಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ನಿಂದ ಏನು ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಯ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಾಯ್ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಗಳಿದೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸರ್, ಜೊತೆಗೇನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ರೈಟ್ ಸರ್. ಹಾಟ್ ಕಾಫೀಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಅದಾವ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿಗಳದಾವ, ಶೇಕ್ಸ್ ಅದಾವ ರೈಟ್ ಸರ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಚಾಯ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದ್ರಕ್ ಚಾಯ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಾಯ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾಯ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚಾಯ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಯ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೀ. ಈ ಚಾಯನ್ನ ಸವಿದು ಭಾಳ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ಒಂದು ರೀಸನೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೌಧರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರಮಾಕಾಂತ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಚೌಧರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮಹಾಜನತೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗಲಿ, ಬರತಕ್ಕಂಥ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲಿ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಹಲವಾರು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಆದಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ.